हेलो, नमस्कार साथियों। मैं लेकर आया हूँ आज जो 10th के विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है और अब जो 11th क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके सामने ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनके माइंड में चल रही है कि कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, कौन से सब्जेक्ट का चयन करने से कौन से फील्ड में अवेलेबिलिटी उनको होगी। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 11th क्लास में यदि वो स्टूडेंट एग्रीकल्चर जो फील्ड है को सेलेक्ट करना चाहता है, पहली बात इस एग्रीकल्चर फील्ड को क्यों सेलेक्ट करें, में ऐसी क्या खासियत है, या इस एग्रीकल्चर फील्ड में आने से क्या स्कोप होने वाले हैं, कैसे इस फील्ड को तैयार करें और कैसे इसमें अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, क्या जॉब हो सकती है, क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो आज कंप्लीट डिस्कस करने वाले अपन इस पूरे वीडियो में। तो पहले सबसे अपन शुरुआत करते हैं कि जो 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके माइंड में पहली बात अपन करना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो स्ट्रीम है इसका सिलेक्शन क्यों करें। बहुत सारी समस्याओं में से आज यहाँ काफ़ी हद तक अपनी जो समस्या है स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लेकर तो वो सॉल्व होने वाली है। तो अपन कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे सबसे पहले एग्रीकल्चर में ऐसा क्या स्कोप है कि इसी जो सब्जेक्ट है का चयन करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन कर लिया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा, पीएचडी कर लिया होगा। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 11th 12th में भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी जो ये वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करने वाले अपन कि जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर क्या स्कोप है, डिस्कस करें अपन इसके ऊपर। तो सबसे पहले अपने को 11th और जो क्लास है उसके अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन लेना है। जैसे ही अपन 11th क्लास में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद में 12th कंप्लीट करने के बाद में अपने पास में क्या अपॉर्चुनिटी है, विद्यार्थी क्या कर सकता है 12th एग्रीकल्चर करने के बाद में। तो इसमें है 12th करने के बाद में अपने जो विद्यार्थी हैं एग्रीकल्चर से 12th कर लेते हैं तो उनके पास में तीन ऑप्शन हैं। या तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब लग सकते हैं, या एजुकेशन में वो आगे बढ़ सकते हैं जिससे कि वो अपने ग्रेजुएशन कर सके। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज, गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी लग सकता है, प्राइवेट जॉब कौन कौन सी लग सकता है वो, या एजुकेशन में नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जो जॉब है उनके ऊपर। तो काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स है जो 12th एग्रीकल्चर से करने के बाद में उसको अवेलेबल होती है। इनमें से कुछ जॉब्स के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पहली जो जॉब प्राप्त कर सकता है एग्रीकल्चर से 12th करने के बाद में वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक। ये ऐसी जॉब होती है जो 12th करने के जस्ट बाद में अपने को प्राप्त हो सकती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनका जो कांटेक्ट है वो करने का काम करता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या करें तो कृषि पर्यवेक्षक है वो वाली वैकेंसी है। इसमें जो टेक्निक्स होती है एग्रीकल्चर की उनकी जो डिलीवरी है वो फार्मर्स को करता है, तो ये जॉब प्राप्त कर सकता है 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम से। ये एकमात्र ऐसी जॉब है जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाला ही कर सकता है। किसी के यदि 12th में बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स है या आर्ट्स सब्जेक्ट है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अभी हाल ही में कल ही जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है इसकी नई वैकेंसी जनरेट की गई है। तो जिस भी स्टूडेंट ने 12th इस सेशन में
जो 2022 और 23 वाला सेशन है, यदि एग्रीकल्चर से उसने 12th कंप्लीट कर ली है तो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो जॉब होने वाली है वो है LSA, LSA यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशुधन जो सहायक होता है, ये जॉब मिलती है 12th एग्रीकल्चर करने के बाद में। 2 साल का डिप्लोमा होता है जिसका नाम है LSA का डिप्लोमा, या जो वेटनरी साइंस है उसमें पशुधन सहायक का जो डिप्लोमा होता है वो 12th एग्रीकल्चर करने के बाद में उसमें एडमिशन ले सकता है। उसके बाद में वैकेंसी आती है और उसके लिए वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है गवर्नमेंट जॉब, 3rd नंबर की NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती है जहाँ पे 12th एलिजिबिलिटी के बेसिस पे भी उसको जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट, 12th के बाद में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी जनरेट होती है जिसमें साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है फार्म मैनेजर, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर क्या होती है फार्म मैनेजर की वैकेंसी जनरेट होती है, तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो है 12th एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट गार्ड, ये बहुत ही अच्छी जॉब है, ये भी अपन प्राप्त कर सकते हैं 12th एग्रीकल्चर करने के बाद में। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर गार्डन, जितने भी जो सिटीज है वहाँ पे और जो हॉर्टिकल्चर गार्डनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ बहुत सारी जो है पोस्ट जनरेट होती है जहाँ एलिजिबिलिटी रखी जाती है 12th एग्रीकल्चर के अलावा जो BSc कर लेता है एग्रीकल्चर से या MSc कर लेता है एग्रीकल्चर से वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। वहाँ जो पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी की जनरेट की जाती है जिनमें से हॉर्टिकल्चर गार्डन में अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट जनरेट होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है जो 12th करने के बाद में भी प्राप्त कर सकता है और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें जो जॉब होने वाली है PM किसान स्कीम, जो PM किसान स्कीम है इसमें नई टेक्निक्स के बारे में प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई जाती है इसके अंदर भी 12th एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइवेट्स जॉब के अंदर क्या क्या कर सकते हैं 12th करने के बाद में, जैसे बहुत सारे जो NGO होते हैं इन NGO में 12th करने के बाद ही वो अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वहां जॉब प्राप्त कर सकता है। जो पेस्टिसाइड है, जो पेस्टिसाइड कंपनी है वहां पे जॉब प्राप्त कर सकता है। इनके अलावा यदि एजुकेशन सेक्टर की बात करें कि 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करने के बाद में एजुकेशन में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या चांसेज है जो 12th एग्रीकल्चर विद्यार्थी कर सकता है या उसको करनी चाहिए। इसमें बात करें अपन आफ्टर 12th के बाद में एजुकेशन में कैसा अपना फील्ड तैयार करें, इसके लिए सबसे पहले BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकता है, वो BSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकता है, BSc फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकता है, BSc होम साइंस में एडमिशन ले सकता है, BSc फिशरीज में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा ये तो BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स है जो अलग अलग स्ट्रीम के हो गए। इनके अलावा क्या कर सकता है, BA BEd कर सकता है, इसके अलावा BSc BEd कर सकता है, इसके अलावा BSc साइंस से कर सकता है, बायोलॉजी से कर सकता है BSc, इसके अलावा जो BSTC वाला कोर्स है वो भी कर सकता है। इसका सीधा सीधा
मीनिंग बताना चाहूँ तो यदि एग्रीकल्चर से ट्वेल्थ कंप्लीट करता है तो ट्वेल्थ करने के बाद में ही वो गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, प्राइवेट जॉब लग सकता है, एजुकेशन में फील्ड बनाना चाहे तो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकता है। यदि वो साइंस बैकग्राउंड में बायोलॉजी बैकग्राउंड में जाना चाहता है तो बायोलॉजी बैकग्राउंड में से बीएससी कर सकता है साइंस से। यदि वो आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना चाहता है तो आर्ट्स बैकग्राउंड में भी वो एडमिशन ले सकता है। इनके अलावा जैसे पर्टिकुलर आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस बीएससी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो ट्वेल्थ एग्रीकल्चर वाला जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर एडमिशन करवा सकता है। इसके अलावा ट्वेल्थ बायोलॉजी वाला जो स्टूडेंट है वो भी बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है। इसके अलावा ट्वेल्थ मैथमेटिक्स से जिसने कंप्लीट कर ली है वो भी बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहा है उसके लिए ट्वेल्थ में या तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए या बायोलॉजी होना चाहिए या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन यदि कोई ट्वेल्थ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से कर रखी है तो वो जो अभी मैंने एक पोस्ट बताई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसका एग्जाम ये दोनों नहीं दे सकते हैं। उसका एग्जाम केवल और केवल कौन दे सकता है, या तो ट्वेल्थ एग्रीकल्चर होनी चाहिए उसके पास में या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे ट्वेल्थ में बायोलॉजी हो चाहे मैथमेटिक्स हो। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या क्या जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो कौन कौन सी मिलती है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। सबसे पहले होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो जो ये इंजीनियरिंग फील्ड होता है उसके अंदर पोस्ट निकलती है, ये इसकी एलिजिबिलिटी रखी जाती है बीएससी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है डीसीओ डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर, जो यूपीएसएससी होती है यानी जो उत्तर प्रदेश कमीशन स्टाफ सिलेक्शन होता है उसके अंदर एक पोस्ट निकलती है डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर। वहाँ इसका प्रॉपर काम होता है जो गन्ना का जो वर्क होता है उसके ऊपर इसकी पोस्ट निकलती है। नेक्स्ट है टीए इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो तकनीक सहायक होते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऊपर जो पोस्ट होती है या उसके लगभग समकक्ष जो पोस्ट होती है वो है टीए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। राजस्थान में 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत सारी पोस्टें जनरेट होती रहती है समय समय पे। नेक्स्ट है फार्म मैनेजर, जिसे अभी अपन ने डिस्कस किया था फार्म मैनेजर की अलग अलग लेवल की पोस्ट होती है, ट्वेल्थ लेवल पे भी फार्म मैनेजर की वैकेंसी अवेलेबल होती है, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी फार्म मैनेजर की पोस्ट अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है डबल ओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो सुपरवाइजर होते हैं कृषि पर्यवेक्षक होते हैं इनके जस्ट अपर वाली जो पोस्ट होती है उसको कहा जाता है डबल ओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। कृषि अधिकारी की जो पोस्ट होती है सहायक कृषि अधिकारी वो है डबल ओ, और कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट होती है ये प्राप्त कर सकते हैं अपन एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। डबल ओ यानी सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। यदि और अपन डिस्कस करना चाहे डीडीए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है यहाँ पे वैकेंसी जनरेट होती है, मोस्टली जो यहाँ वैकेंसी अवेलेबल होती है वो हॉर्टिकल्चर वाले फील्ड में होती है, जहाँ पे जितना भी जो गवर्नमेंट वाली प्रॉपर्टी जो होती है वहाँ पे गार्डनिंग का जो काम होता है वो इन्हीं की देख रेख में किया जाता है। नेक्स्ट होती है वो एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम से जनरेट की जाती है। नेक्स्ट है आरएफओ रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसे अभी मैंने डिस्कस किया था बीएससी जनरल एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, प्रॉपर फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं। तो जैसे प्रॉपर जो फॉरेस्ट्री वाले कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, जो जनरल एग्रीकल्चर वाले हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन तो डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट होती है
जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जनरेट की जाती है। नेक्स्ट जॉब होने वाली है वो है ADHO, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है वैसे ही जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, पहले वाली थी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये होती है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट। नेक्स्ट है वो FSO, फूड सेफ्टी ऑफिसर। FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर पोस्टें निकलती है, वो है मैनेजर टेक्निकल या टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट निकलती है, TM की पोस्टें जनरेट होती है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी रखी जाती है BSc एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है CWC जो वेयर हाउस होते हैं, जो सेंट्रल वेयर हाउस जहाँ पे जो फूड होता है जैसे गेहूँ वगैरह हो गए, तो जो खाद्यान्न फसलें होती है उनको स्टोर किया जाता है, या जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे प्याज वगैरह आलू वगैरह हो गए उनको भी स्टोर किया जाता है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी वैकेंसी निकलती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है जहाँ से सेंट्रल लेवल में रहती है, तो जो सैलरी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है इस पोस्ट की। नेक्स्ट है AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जो बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर में एक पोस्ट जनरेट की जाती है जो कि KCC वगैरह जो लोन है या जितना भी खेती से संबंधित कार्य है बैंक में वो इसी के द्वारा, जैसे फसल बीमा योजना है वो भी इन्हीं ऑफिसर के द्वारा हैंडल किया जाता है, उस पोस्ट को कहते हैं अपन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये बैंकिंग सेक्टर की पोस्ट है जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए जनरेट की जाती है। NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसमें अलग अलग लेवल की पोस्ट रहती है, 12th लेवल की रहती है, BSc लेवल की रहती है, MSc लेवल की रहती है, तो यहाँ जो बीज निगम है उसके अंदर आप फील्ड बना सकते हैं, वैकेंसी को अपन हासिल कर सकते हैं, यहाँ लग सकते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में। SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ भी काफ़ी अलग अलग फील्ड की और पोस्ट जनरेट की जाती है जहाँ प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए क्वालिफिकेशन रखी जाती है। नेक्स्ट है को जो फर्टिलाइजर वाला फील्ड है, प्राइवेट फील्ड है, जो गवर्नमेंट का जो फील्ड होता है आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर आता है, उर्वरक आता है, IFFCO का भी आता है, जैसे चंबल फर्टिलाइजर होता है, जैसे गुजरात फर्टिलाइजर होता है, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं IFFCO की, ये भी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो यहाँ भी AGT की पोस्ट निकलती है। नेक्स्ट है ACF, असिस्टेंट चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, तो ये फिर वापस है जो फॉरेस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे पोस्ट निकलती है जहाँ पे जो वनों की कटाई वगैरह होती है उसका पर्टिकुलर रोक लगाने के लिए ये जो ऑफिसर होते हैं इनको तैनात किया जाता है, तो ये पोस्ट भी अपन हासिल कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में। तो यहाँ मैंने डिस्कस किया है जो मेजर पोस्ट है, जो अधिकारी लेवल की पोस्ट है उनका अपन ने यहाँ डिस्कस किया है, तो ये सभी जो पोस्टें हैं या जो जॉब है ये अपन हासिल कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन अपन ये करना चाह रहे हैं कि जो UPSC है, यदि कोई कहता है कि जो केंद्र लेवल है या जो UPSC है वहाँ पे स्पेशल एक पोस्ट जनरेट होती है केन सुपरवाइजर की, अभी भी डिस्कस किया था मैंने यहाँ पे कि जो केन ऑफिसर होता है उसकी पोस्ट निकलती है, तो ये जो उत्तर प्रदेश है वहाँ का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो पर्टिकुलर ये पोस्ट जनरेट करता है, जो कि होती है जो शुगर वाला जो फील्ड होता है उस पे के ऊपर पोस्ट होती है प्रॉपर ये। नेक्स्ट है BSc एग्रीकल्चर करने से और कौन कौन सी अपन जॉब प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ मैंने मोस्टली जो टॉप जॉब्स होती है उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसमें सेक्शन ऑफिसर की भी वैकेंसी जनरेट होती है जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखी जाती है BSc एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है NABARD, जो ये भी बैंकिंग सेक्टर की पोस्ट है,
असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकलती है और इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी जाती है, वो है बीएससी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। जितनी भी एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्निक्स जनरेट होती है उन टेक्निक्स का जो प्रसार करने का काम करता है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर करता है। तो ये पोस्ट भी जनरेट होती है बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। यदि और बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो जो एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अंदर पर्टिकुलर सेपरेटली एग्रीकल्चर के लिए जो पोस्ट निकलती है उसका नाम है जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट। तो यदि बैंकिंग सेक्टर में कोई अपना फील्ड बनाना चाहता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है आईएआरआई, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सुपरवाइजर की, टीए की, फार्म मैनेजर की, बहुत सारी ऐसी पोस्टें जनरेट होती है जिनके लिए क्वालिफिकेशन 12th एग्रीकल्चर भी रखी जाती है, बीएससी एग्रीकल्चर भी रखी जाती है। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर के जो कॉलेज है या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है ऑल इंडिया में, वो अपने लेवल पे अलग अलग प्रकार की पोस्ट जनरेट करते हैं जो 12th एग्रीकल्चर के बेसिस पे होती है, 12th बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। एमएससी लेवल की भी पोस्टें होती है जिसका डिस्कस अपन थोड़ा आगे करेंगे। नेक्स्ट एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है करनाल हरियाणा में। तो यहाँ भी जो एनिमल हजबेंड्री है उससे रिलेटेड अलग अलग प्रकार की पोस्ट जनरेट की जाती है, तो यहाँ अपन जो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर की, यदि बीएससी एग्रीकल्चर कर लेता है तो गवर्नमेंट जो जॉब है उनके अलावा वो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर कंपनीज है, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है, चाहे वो कृषि के जो मशीनरी है, औजार बनाने की कंपनी हो, बीज बनाने की कंपनी हो, कीटनाशी बनाने की कंपनी हो, खाद बनाने की कंपनी हो, उर्वरक बनाने की कंपनी हो, सिंचाई के साधन बनाने की कंपनी हो, बहुत सारी जितनी भी एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग की कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों में वो प्राइवेट जॉब कर सकता है। जैसे एग्रीकल्चर मशीनरी जो कंपनी है उनके अंदर कर सकता है, फर्टिलाइजर जो कंपनीज है, चंबल फर्टिलाइजर हो गया, जैसे उनके अंदर जॉब प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कंपनी, जैसे पेस्टिसाइड कंपनी है, इनके अंदर जॉब कर सकता है। जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उनके अंदर जॉब कर सकता है। इसके बाद में अपन डिस्कस करना कि यदि कोई एजुकेशन फील्ड में बीएससी करने के बाद में एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो टीचिंग जो फील्ड है उसको सेलेक्ट कर सकता है। कोचिंग सेंटर है उनमें एजुकेशन का काम कर सकता है। जो कॉलेज है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, उनके अंदर काम कर सकता है। जो टीए वगैरह की पोस्ट है वहाँ काम कर सकता है, या जो केवीके होते हैं वहाँ भी जो किसान होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी वो काम कर सकते हैं। जो स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके अंदर टीचिंग का काम कर सकता है। तो टीचिंग जो फील्ड है उसके अंदर भी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है अपने पास में वो है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या क्या बिजनेस कर सकता है। ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे दोनों प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, कम लागत के बिजनेस भी है और अधिक लागत के बिजनेस भी है। जैसे अपन डिस्कस करें, एक एक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, जैसे प्लांट नर्सरी तैयार कर सकता है। प्लांट नर्सरी का बिजनेस काफ़ी अच्छा बिजनेस है, जो कि लगभग आपने देखा होगा जो आसपास के अपना जो भी एरिया है वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी प्रकार की नर्सरियाँ लगी हुई है। नर्सरियों में क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं इनको तैयार किया जाता है, छोटे छोटे पौधे ग्राफ्टिंग बडिंग की विधियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर में सिखाया जाता है। और काफ़ी अच्छा बिजनेस है जो कि छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं।
यदि दूसरे प्रकार के बिजनेस की बात करें तो वो है टिश्यू कल्चर लैब। ये थोड़ा एक्सपेंसिव बिजनेस है लेकिन काफी शानदार बिजनेस है। तो जिनके पास में लेबोरेटरी की या जो कह सकते हैं अपन बजट की यदि किसी के पास में अवेलेबिलिटी है तो वो भी टिश्यू कल्चर का जो लैब है। यहाँ पे छोटे छोटे जो भाग है पौधों के उनसे काफी संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे समय की बचत होती है जिससे कि जल्दी पौधे तैयार होते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार पौधे अपन यहाँ तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। ये अभी हाल ही के जो टाइम चल रहा है जहाँ ऑर्गेनिक खेती की जो बात होती है उसके लिए सबसे जरूरी है वर्मी कल्चर। यानी कि जो केंचुओं के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उस खाद का उपयोग काफी मात्रा में अभी प्रचलन में चल रहा है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो अपना घर होता है वहाँ भी छोटी छोटी बेड क्यारियाँ बना के और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि किसी को करनी है तो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना काफी जरूरी होता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा के भी अपन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बी कीपिंग, बी कीपिंग भी एक शानदार बिजनेस है जो कि ऐसे यदि गांवों की बात करें जहां पे जैसे सरसों काफी हद तक लगाई जाती है वहां पे जो अपना खेत है उस खेत में तो सरसों लगी हुई है लेकिन जो पास की जगह खाली पड़ी हुई है वहां पे बी कीपिंग करके और दो अपन कार्य एक साथ कर सकते हैं। प्रोडक्शन भी ले सकते हैं क्रॉप का, दूसरा साधन साथ में क्या कर सकते हैं शहद का उत्पादन कर सकते हैं। प्रकार की जो औषधियां हैं वो इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो शुद्ध शहद है वो अपन तैयार कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छा बिजनेस है जिसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर करता है स्टूडेंट। तो यहाँ काफी शानदार इन ट्रेनिंग होती है। उनके बारे में बताया है कौन सी प्रजातियों का उपयोग करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शहद प्राप्त हो सके और किस टेक्निक से इस बिजनेस को आगे चलाएं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है वो भी कर सकता है। डेयरी फार्मिंग में जो फार्मिंग इसका सेटअप करना है इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो लोन भी प्रोवाइड करवाती है जिसका उपयोग करते हुए डेयरी फार्मिंग का सेटअप कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, पीसी कल्चर यानी कि जो मछली पालन है ये भी कर सकता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। नेक्स्ट है सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। अभी के जो करंटली जो 2 से 3 साल निकले हैं उसमें सोइल के ऊपर काफी हद तक काम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और अब तहसील लेवल के ऊपर भी क्या किया जा रहा है कि सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्थापित किया जा रहा है जहाँ पे यानी कि जो कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है तो वो इस लेबोरेटरी को स्थापित कर सकता है जहाँ पे मिट्टी की जांच की जाती है कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसके अंदर कौन सी क्रॉप्स को उगाना चाहिए। इनके अलावा जो एग्रीकल्चर मशीनरी होती है जो भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं औजार होते हैं उनकी बनाने की फैक्ट्री डाल सकता है। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग भी एक शानदार बिजनेस है जो कि बहुत ही छोटे लेवल में और बड़े लेवल दोनों लेवल पे इसको कर सकता है। नेक्स्ट है एजुकेशन। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में एजुकेशन में क्या फील्ड तैयार कर सकते हैं, तो इसके बाद में कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर। तो यहाँ एमएससी एग्रीकल्चर अलग अलग डिपार्टमेंट से होती है। जैसे बात करें अपन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांट ब्रीडिंग,
प्लांट ब्रीडिंग करने से सीड प्रोडक्शन के बारे में जानकारी ले सकता है, एंटोमोलॉजी इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है, जैसे बी कीपिंग अभी अपन देख रहे थे कि बी कीपिंग का जो बिजनेस है वो कैसे तैयार किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर बी कीपिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है। पैथोलॉजी जैसे मशरूम का, जो मशरूम उत्पादन है उसका बिजनेस भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन किससे कर सकते हैं, मेसी नेमेटोलॉजी से कर सकते हैं, सोइल साइंस से कर सकते हैं, एग्रोनॉमी से कर सकते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट है जिनके अंदर एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या स्कोप है, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में जितने भी अपन ने बीएससी एग्रीकल्चर में देखे हैं वो सभी जॉब, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ये सभी जॉब अपन हासिल कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में भी। तो यहाँ अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में अवेलेबल हो रही है, उनके अलावा ऐसी कौन सी जॉब है जो एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में अपन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब कौन सी प्राप्त कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कौन सी प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन में क्या फील्ड तैयार कर सकते हैं, बिजनेस में क्या तैयार कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं अपन पहले, वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो डबल ए होता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, उसके ऊपर वैकेंसी रहती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। इसके अलावा डबल ए आर ओ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर होता है। ये सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग वैकेंसी जनरेट होती है, अलग अलग सब्जेक्ट में रहती है। इसके अलावा ए आर ओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर होता है, इसके अलावा ए ई ओ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स ऑफिसर होता है, ए एस आर बी, ये जो साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, यहाँ पे जो वैज्ञानिक तैयार होते हैं, जो वैज्ञानिक की पोस्ट होती है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। तो ये एक बोर्ड है ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, यदि कोई इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो वो बन जाता है कृषि वैज्ञानिक, ये जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल एग्रीकल्चर लेक्चरर, यदि एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता है तो एमएससी करने के बाद में उसको बीएड कर लेता है तो वो स्कूल लेक्चरर, जो लेक्चरर होते हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में होते हैं, वो भी इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा है एनएससी, जो सीड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर होते हैं, जो कि बीज की गुणवत्ता को चेक करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उसको चेक करने का काम करते हैं, वो पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा है सीड ऑफिसर, जो बीज अधिकारी होता है, वो भी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर वाली पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, ये सीड की क्वालिटी को चेक करके और उसको सर्टिफाइड करने का काम करते हैं। SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ये पोस्ट भी निकलती है MSc एग्रीकल्चर करने के बाद में, ये भी लगभग जो प्रोफेसर होते हैं उनके बराबर की पोस्ट होती है, और ये KVK जो होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहाँ पे जनरेट होती है ये पोस्ट। रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे डिफरेंट प्रकार की पोस्ट जनरेट होती है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जो सेल्स ऑफिसर है, मार्केटिंग फील्ड में जो है वो पोस्ट निकलती है एग्रीकल्चर सेल्स ऑफिसर की। इसके अलावा प्रोजेक्ट एसोसिएट, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट चलते हैं, वेराइटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे प्रोजेक्ट चलता है, सॉइल टेस्टिंग पे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उनके अंदर सहायक अधिकारी के रूप में भी जो पोस्ट है वो जनरेट की जाती है, और इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में। इसके अलावा है प्लांट ब्रीडर,
जो प्लांट ब्रीडिंग से एमएससी कर लेता है वो नई वेराइटी डेवलपमेंट करने के लिए जो ब्रीडर होते हैं उसकी पोस्ट पे काम कर सकते हैं। यहाँ असिस्टेंट ब्रीडर होता है, एसोसिएट ब्रीडर होता है, अलग अलग प्रकार की पोस्टें रहती है। इसके अलावा एनिमल ब्रीडर, यदि एनिमल से कोई एमएससी करता है, एनिमल हस्बेंड्री से एमएससी करता है, तो वो एनिमल ब्रीडर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब एमएससी के बाद में कौन कौन सी अवेलेबल हो सकती है, जितनी बीएससी के बाद में अवेलेबल हो रही है वो सभी एमएससी के बाद में अवेलेबल होती है। एग्रीकल्चर जितनी भी कंपनी है उनके अंदर एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में पोस्ट प्राप्त कर सकता है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जितने भी है उनमें पोस्ट प्राप्त कर सकता है। जो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ जॉब प्राप्त कर सकता है। जितनी कॉलेज है, जितने यूनिवर्सिटीज है, जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सभी में एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में वो जॉब प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो एमएससी बीएड कर लेता है तो वो लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाता है। यदि एमएससी नेट कर लेता है तो जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर सकता है। यदि वो पीएचडी नेट कर लेता है तो एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। स्कूल के या कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वो एजुकेशन अपना फील्ड तैयार कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में क्या कर सकता है, तो एमएससी करने के बाद भी पीएचडी कर सकता है या एमफिल कर सकता है या अलग अलग प्रकार के जो डिप्लोमा होते हैं वो कर सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में जा सकता है, पीएचडी कर सकता है, एमफिल कर सकता है, काफी अलग अलग प्रकार के कोर्स है जो एमएससी करने के बाद में कर सकते हैं। तो मोस्टली जो यहाँ मैंने डिस्कस किया है वो 11th और 12th के बाद में क्या क्या कर सकता है एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट या बीएससी करने के बाद में क्या जॉब हासिल कर सकता है। तो हाल ही के जो टाइम चल रहा है इस टाइम में एग्रीकल्चर ऐसा फील्ड है जहाँ पे जो स्टूडेंट है, चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पे हर प्रकार का स्टूडेंट आके इस फील्ड को सेलेक्ट करके और अपना अच्छा करियर तैयार कर सकता है। थैंक यू।